हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। देखिए, मैंने बहुत दिनों से वादा किया था कि एक रेगुलर ट्रिक की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। पहले कुछ ट्रिक की क्लास की थी, फिर बाद में थोड़ा सा बाकी क्लासेस में बिजी हो गया तो ट्रिक की क्लास हमारी मिस हो गई। आज से ट्रिक की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो पुराने वीडियोज़ भूल जाइए, अगर आपने देखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ आपका रिविजन हो जाएगा। ये वीडियो डेली देखा, आज से आपको डेली ट्रिक वाली क्लास देखना है। डेली इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलती रहेगी, डेली सुबह 8 बजे दिन की शुरुआत आप ट्रिक से करेंगे, डेली सुबह 8 बजे आपको एक ट्रिक की क्लास मिल जाया करेगी। क्लियर है, इस बात को ध्यान रहेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक वाली क्लास। ये जो क्लास है ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्स हो, जीके के सारे ट्रिक यहाँ पर करेंगे। आने वाले समय ढेर सारे वीडियो जाएंगे ट्रिक के, आपका 100, 200, 300 वीडियोज होते जाएंगे, आप ट्रिक क्लास करते चलिएगा। क्लियर है, चलिए। या और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस चैनल में जीके करंट अफेयर साइंस की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आने वाले समय मैथ्स रीडिंग इंग्लिश और हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी से जल्दी। बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतने लोग अपने पास में पढ़ाने के लिए आएंगे, क्योंकि जितना परिवार बड़ा होगा लोगों को और लगेगा कि चल भाई ज़्यादा बच्चे हैं पढ़ाते हैं, होती हैं चीज़ें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और अपन बेस्ट तरीके से अपन आपको पढ़ाते चलेंगे। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज हम ट्रिक करने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में, तो हम तीन चार बातें डिस्कस करेंगे। एक तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, उनका जन्म कहाँ, उनकी मृत्यु कहाँ, ये ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद में बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियाँ सम्मेलन हुआ था, वो भी एक ट्रिक है अपने पास में, वो भी याद करेंगे। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाएगा। कोई और टॉपिक बचेंगे तो वो भी ट्रिक के माध्यम से कवर कर लेंगे, क्योंकि ट्रिक की क्लास है। ट्रिक वाली क्लास में सारी की सारी बातें ट्रिक कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से ट्रिक चाहिए। कमेंट कीजिएगा, मैं वही कमेंट कंसिडर करूँगा जो बच्चा ऐसे कमेंट करेगा। आपको कमेंट करना है हैशटैग संदीप सर जी के। अगर आप ऐसे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपका कमेंट कंसीडर करूंगा। हैशटैग संदीप जी के, इनके बीच में गैप मत रखना, एक साथ लिखना, गैप कोई भी मत देना बीच में। हैशटैग संदीप सर जी के और नीचे आपका टॉपिक। और कोई बात बोलना है आप कर सकते हैं, आपको वही कमेंट कंसीडर होगा जहां पर आप हैशटैग संदीप सर जी के लिखेंगे। क्लियर है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेगा लिखा क्या है, सबसे फर्स्ट लिखा आपका बू लूकू, बू लूकू, बी यू एल यू के यू, बी यू एल यू के यू, बुलुकू। बुलुकू मतलब क्या है भाई, बी यू मतलब बू, बू मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध, लू मतलब लुम्बिनी, लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और के यू मतलब कुशीनारा, भगवान के भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। क्लियर है, तो बुलुकू अगर याद है तो लुम्बिनी कुशीनारा, जन्म लुम्बिनी मृत्यु कुशीनारा, दैट्स ऑल। क्लियर है क्वेश्चन, दोनों फेमस क्वेश्चन है, कई बार कन्फ्यूज जाता है इंसान। दूसरा लिखा है बू सिद्ध, बू सिद्ध, बुसिद्ध क्या भाई, बुसिद्ध का मतलब है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ, सिद्ध मतलब सिद्धार्थ। कन्फ्यूजन बड़ा होता है क्योंकि आपको मालूम है भगवान महावीर के पापा का नाम सिद्धार्थ था, जबकि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो बुसिद्ध का मतलब है कि भगवान महावीर के, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बुसिद्ध, दैट्स ऑल। दो ट्रिक हो गई। तीसरा है आपका बू शुद्ध, सब में बी यू बी यू आगे आ रहा है, शुद्ध मतलब शुद्धोधन, तो भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। क्लियर है, बुशुद्ध मतलब भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट लिखा है सीमा, सीमा मतलब सी फॉर सिद्धार्थ, सी फॉर सिद्धार्थ, और मा फॉर माया देवी, माया देवी मतलब इनकी मम्मी का नाम माया देवी था, तो सीमा, सी से सिद्धार्थ, माँ से माया देवी। क्लियर है, तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम याद हो गया हमें, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनकी जन्म मृत्यु, पांच चीज़ याद हो गई हमको। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे अपन, कौन सा, कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, कितने सम्मेलन हुए थे, कहाँ हुए थे, उस टाइम पर राजा कौन था, चेयरमैन कौन था। बहुत फेमस ट्रिक है मेरी और ये बहुत काम की है, बहुत एग्जाम में आती है। तो देखिए मैंने लिखा रावे पाकू, याद कर लीजिएगा रावे पाकू, तीन चार बार, पांच बार, छह बार बोलोगे याद हो जाएगा, रावे पाकू, रावे पाकू, रावे पाकू, दैट्स ऑल। क्लियर है, रावे पाकू, एक तो दिए चार बड़ी याद कर लीजिएगा। देन नीचे लिखा है अक्का अशोक, अक्का अशोक, तीन चार बार लिख दीजिएगा कागज में, लिखोगे याद हो जाएगा, अक्का अशोक, अक्का और अशोक तो याद ही जाएगा, अक्का अशोक, तीन चार बार याद कर लीजिएगा। तो रावे पाकू और अक्का अशोक दो लाइन होगी। नीचे लिखा है महासाहब मुगली खाएंगे अब, महासाहब मुगली खाएंगे अब, तो आपका रावे पाकू याद हो गया, अक्का अशोक याद हो गया, और महासाहब मुगली खाएंगे अब याद हो गया ना। अब एक काम करो, जो रावे पाकू लिखा है ना हमने ऐसे लिखा है, उसको ऐसे लाइन से ऊपर से नीचे लिख दो, जैसे मैंने ये लिख दिया रावे पाकू लिख दिया, अक्का अशोक को भी आपने अक्का अशोक को ऐसा लिख दिया, महासाहब मुगली खाएंगे अब को भी ऐसे लिख दिया आपने, लिख दिया, बस हो गया। बौद्ध धर्म के टोटल चार सम्मेलन हुए थे, रा मतलब राजगृह, पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में।
क्लियर ना, कि हमने जो रावय पाकू लिखा था ये यहाँ पे चार सम्मेलन राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, दैट्स ऑल, हमेशा पूछता है पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, डन है। चलिए उसके बाद में जो अकाशोक है इसका मतलब क्या है कि पहले सम्मेलन के टाइम पर राजा कौन था, अजात शत्रु था, दूसरे टाइम पे कौन था, कालाशोक, तीसरे टाइम पे कौन था, अशोक, और चौथे टाइम पे कौन था, कनिष्क। फेमस क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। राजगृह में सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे चेयरमैन कौन था, वैशाली के टाइम पे, पाटलिपुत्र के टाइम पे, कुंडलवन के टाइम पे, क्वेश्चन आते हैं, चारों याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर आप प्रीवियस से पेपर सॉल्व करते होंगे हर एग्जाम का तो आप देखते होंगे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चारों सम्मेलन कहाँ पर हुए लाइन से याद करना, आगे पीछे मत करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों टाइम पे राजा कौन था लाइन से याद करना। नेक्स्ट लिखा है महासाहब मुगली खाएंगे अब, तो महा से हो जाएगा महाकश्यप, महा से महाकश्यप, साहब से साबा कामी, मोगली से मोगली पुत्र, और अब से आ से हो जाएगा अश्वघो, से बा से हो जाएगा बसुमित्रा। पांच लोग हो गए, महासाहब, साबा कामी, मोगली पुत्र और अश्वघो, बसुमित्र। देखिए पहले के टाइम पे महाकश्यप चेयरमैन थे, पहला जो सम्मेलन हुआ तो चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप, दूसरे के चेयरमैन थे साबा कामी, तीसरे के चेयरमैन थे मोगली पुत्र और चौथे के चेयरमैन थे आबा, अश्वघोष और बसुमित्र। फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित चार सम्मेलन कौन कौन से हो गए, ये भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित चार पांच चीज़ें वो जान ली हमने इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो, कितने मिनट का, मुश्किल से 6 से 7-8 मिनट का वीडियो, और आपने ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर सीख ली। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और फिर से बोलता हूँ जो भी कमेंट कीजिएगा तो ऐसा जरूर लीजिएगा #संदीप सर जी के, अपना टॉपिक, अपना क्वेश्चन अच्छा लगा गुड लिखिएगा, #संदीप सर जी के लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कि आप मेरा कोर्स खरीदे, कुछ भी नहीं है, बस सपोर्ट के नाम पे बोलता हूँ कि आप आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और #संदीप सर जी के, और अपना कमेंट जरूर लिखा करिए। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई ना कर पाऊँ बात दूसरी है, मेरे लिए एक एक कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक एक सजेशन मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि कमेंट से ही मुझे आइडियाज आते हैं। अपने दिल की बात जरूर लिखा करिए, बस आपने ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फिर से बोलता हूँ अब ये ट्रिक वाली क्लास कभी बंद नहीं होगी, अगर रिपीट हो गया आपका ट्रिक कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो गया, सारी ट्रिक की क्लास लाइन से आपकी चलती जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।